बच्चों पिछले चैप्टर, चैप्टर नंबर टू इन फाइनाइट सेट्स में हमने काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट डोमरेबल सेट अनुमरेबल सेट फाइनाइट सेट इन फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी, कैंटर सेट और उनसे रिलेटेड रिजल्ट एलजेवरिक नंबर्स ट्रांसेंडेंटल नंबर्स और उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उनके प्रूफ डिस्कस किए अब चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट होता है दिस इज ए मेजरेबल सेट्स और इंटरेस्टिंग चैप्टर सबसे पहले मेजरेबल सेट डिफाइन करने से पहले हम कुछ जो पहले इससे जो बेस बना लेते हैं जैसे लेंथ ऑफ एन इंटरवल लेट आई बी एन इंटरवल है चाहे तो ये क्लोज्ड है चाहे ओपन है या सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है जो लेंथ किसी इंटरवल की होगी वो डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स होगी जैसे ये कुछ इंटरवल्स मैंने दे रखे हैं लेट uh, आई एक क्लोज इंटरवल दिया तो इसकी लेंथ कितनी होगी बी माइनस ए इसी तरह से यदि हम सेमी ओपन लें कितनी होगी बी माइनस ए प्रोवाइडेड बी ग्रेटर देन ए जो दूसरा नंबर है इसमें वो एस पहले वाले से बड़ा होना चाहिए ठीक है इसी तरह से यदि दोनों नंबर इक्वल हैं ये ये आप देख रहे हैं जिसकी लेंथ जीरो है है ना यदि ए और बी इक्वल हैं तो एक पॉइंट बन जाता है इसी तरह से एक इंटरवल है एक रेज होगी ए और इन्फिनिटी तो इसकी लेंथ कितनी होगी इन्फिनी ठीक है तो ये आप एक तरह से लेंथ ऑफ एन इंटरवल हो गया और जो लेंथ ऑफ इंटरवल है ये एक तरह से सेट फंक्शन हो गया अब सेट फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो इस ए फंक्शन विच एसोसिएट्स विच एसोसिएट्स एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू ईच सेट इन सम कलेक्शन ऑफ सेट्स। आपने फंक्शन की डेफिनेशन यू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फंक्शंस में क्या है कि टू ईच इन ए डोमेन देर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन इसी तरह से इसमें क्या है जो फंक्शन है जो सेट फंक्शन है एक फंक्शन क्या हम कहलाता है फंक्शन विच एसोसिएट एन एक्सटेंडेड रियल नंबर एन एक्सटेंडेड रियल नंबर जो कोडोमेन है ना टू ईच सेट इन सम कलेक्शन ऑफ सेट्स एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होते हैं आपने देखा रियल लाइन में माइनस इन्फिनी और इन्फिनिटी को क्या करते हैं ओपन इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर में हम दोनों इंक्लूड कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी भी क्लोज इंटरवल के रूप में तो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं सेट फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो गया एक हम कलेक्शन ले लेते हैं पावर सेट के रूप में कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए और कहां से मान लिया कोई फंक्शन एफ मेप्स फ्रॉम पावर सेट ए टू किसमें एक्सटेंडेड रियल नंबर माइनस इनफिनिटी और इन्फिनिटी में तो इसे हम क्या कहते हैं सेट फंक्शन अब चूंकि ये सेट फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है लेंथ लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट फंक्शन अब लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है तो हम एक्सटेंडेड नंबर कहां से लेंगे हम नॉन नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर लेंगे यानी कि क्लोज इंटरवल जीरो और इन्फिनी ठीक है अब इसमें इन दिस केस ऑफ लेंथ द डोमेन इज इज द कलेक्शन ऑफ आल इंटरवल्स अगर लेंथ uh, के बारे में डिस्कस करते हैं जो डोमेन होगा इस सेट फंक्शन का तो इसका क्या होगा जी कलेक्शन ऑफ आल इंटरवल्स अब इसे ऐसे भी डिफाइन लेट आई बी ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स सेट फंक्शन लेंथ एल मेप्स फ्रॉम आई टू पॉजिटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर सेटिस्फाइंग द फ्लोइंग प्रॉपर्टी नंबर वन जमीट्रिक की तरह नंबर वन क्या है लेंथ ऑफ आई पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर आल सच इंटरवल्स दूसरा क्या यदि हम एक कलेक्शन लें इसी में से एल इफ आई ओयोटा सेट सच आई एन ये हम ऐसा लेंगे, जो आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हो काउंटेबल तो होगा ही क्योंकि आई बिलोंग टू तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जब हम इसकी यूनियन लेंगे वो भी एक इंटरवल होगा अब हम टेकिंग देंथ ऑफ दिस यूनियन तो लेंथ ऑफ दिस यूनियन क्योंकि सारे कैसे इंटरवल हैं डिस जॉइंट है तो इनकी सबमेशन ऑफ यूनियन का लेंथ क्या होगी सब्मेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई इसे हम काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी अब तीसरा है ट्रांसलेशन इन प्रॉपर्टी ट्रांसलेशन इन प्रॉपर्टी ये है अगर हम कोई इंटरवल ले लें जैसे ऊपर वाले में से ले लेते हैं ए और ये आइडेंटिटी वाला ले लेते हैं ए और ए यानी कि इक्वल टू बी अभी इसे हम रिप्लेस करते हैं ए जो पहला वे है ऑर्डिनेट और ए प्लस एक्स ए प्लस दूसरे वाला एक्स ठीक है या पहले वाले इंटरवल को ले लेते हैं ए बी और दूसरे को क्या कर ले लेते हैं दूसरे वाले इंटरवल को आई आई प्लस एक्स को ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स अब जो ए जो एक्स जोड़ा है ए और बी में दोनों में अब बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स तो क्या हुआ एक्स एक्स गया तो बी माइनस ए ही बचा तो दोनों लेंथ से जो जिसमें हमने एक आई इक्वल टू ए बी जो क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है उसकी लेंथ और जो हमने एक्स जोड़ा है ए और बी में वो सेम है तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे ट्रांसलेशन इन प्रॉपर्टी इसे हम एक लेट एक्स भी ए फिक्सड रियल नंबर लिया इसमें और हमने क्या किया देन लेंथ ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई प्लस एक्स तो इस तरह से ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होगी तो इस इस पेज पर हमने क्या देखा कि लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल ली और फिर स, इसी से सेट फंक्शन डिफाइन किया और सेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है विच एसोसिएट एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू इज सेट ऑफ इन सम कलेक्शन ऑफ सेट्स और इसका एग्जाम्पल क्या है लेंथ

अगर कोई ओपन ओ बी एन ओपन सेट इन आर तो उसे कैसे इट इज़ ओ कैन बी रिटिन एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिस ओपन इंटरवल्स आई और आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये मिट्टी की स्पेस में है ओ कैन बी रिटिन एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिस ओपन इंटरवल्स अब ओ को इसी तरह से लिख लेते हैं अब दोनों तरफ की लेंथ ले लेते हैं और उसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं किसकी जो लेंथ की कौन सी प्रॉपर्टी थी वे काउंटेबल सब एडिटिविटी काउंटेबल सॉरी एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाते हैं ठीक है तो ये जो है इस तरह से हो जाता है तो लेंथ ऑफ ओ इज वेल डिफाइंड हम वेल well डिफाइंड भी कर लेते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ ओ इज वेल डिफाइंड सिंस इसका जो राइट हैंड साइड है सममेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई सम राइट हैंड साइड नोट डिपेंड ऑन दी ऑर्डर ऑफ द टर्म्स जो सबमिंग में यूज़ किए हुए सम्बिंग प्रोसेस में ठीक है तो अब जैसे दो ओपन सेट ले लिए चलो ओपन सेट ओ सेट ही लेते हैं पहले वाले में इफ ए ओ वन एंड ओ टू बी टू ओपन सेट्स इन आर सच दैट ओ वन इज ए सब सेट ऑफ ओ टू देन लेंथ लेंगे तो ग्रेटर लेस दो कंपेरेबल होंगे तो लेंथ ऑफ ओ वन ओ वन ले टू अब इसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर लें इफ ओ बी एन ओपन सेट सच दैट ओ इज कंटेन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ तो सब सेट है यहाँ नंबर बन जाएगा लेंथ ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए बी क्या बी माइनस ए तो इसे हम इस तरह से देन क्योंकि लेंथ ऑफ ओ कितनी है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है या इंटरवल की लेंथ तो आप कह सकते हैं कि जीरो टू लेंथ ऑफ ओ लेंथ लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए इसी तरह से हम जो थर्ड नंबर है अगर हम कोई क्लोज सेट ले ओपन इंटरवल में इफ एफ बी क्लोज सेट सच देट एफ इज ए ओपन इंटरवल ए बी अब आप जानते हैं कि एफ और एफ का कंप्लीमेंट इन दिस ओपन इंटरवल क्या होगा क्योंकि दो थार डिस जॉइंट हैं तो एफ यूनियन एफ सी कम्प्लीमेंट ऑफ एफ इक्वल टू ओपन इंटरवल ए भी अब चूंकि एफ और एफ सी डिसजॉइंट है टेकिंग लेंथ ऑन दी बोथ साइड्स तो लेंथ वाली प्रॉपर्टी से क्या हुआ ये अलग अलग हो जाएंगे यानी कि यूनियन प्लस में कन्वर्टेड हो जाएगा तो लेंथ ऑफ एफ प्लस लेंथ ऑफ एफ सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल इतनी बी माइनस है तो कितना हुआ ये क्या हुआ तो लेंथ ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो है ठीक है या हम इसे लेंथ ऑफ एफ सी को हटाएं तो लेंथ ऑफ एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी माइनस है और बी माइनस ही पॉजिटिव होता है इसी लेंथ ऑफ एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी देखिए पहले वाले जो स्लाइड्स अभी हमने बना बताया था क्या क्या बताया था लेंथ ऑफ इंटरवल और लेंथ किसका फंक्शन है सेट का और लेंथ किसका एग्जाम्पल है सेट फंक्शन का और उस पर हमने लेंथ की डेफिनेशन बताई थी उसमें प्रॉपर्टीज लेंथ उंटेबल एडिटिविटी टू जीरो ट्रांसलेसन प्रोपर्टी इसी तरह था। से हमने सेट लेंथ ऑफ सैट्स की जैसे हमने डिफाइन की उस पर जो डिफरेंट एग्जाम्पल लिए और उस, उसी से हमने लेंथ ऑफ सेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करी नी कम टू मेजर वैसे तो ये है सिंपल वे में लेट आर बी ए रियल बी दैट ऑफ रियल नंबर और आर बी कलेक्शन ऑफ आर और इस तरह के सेट क्या कहते हैं पावर सेट और एक हमने मैप डिफाइन की फंक्शन एम मैप फ्रॉम पावर सेट टू तो क्लोज इंटरवल जीरो इन्फिनिटी तो इस आ, इस फंक्शन को ही आ, हम मेजर कहेंगे अगर वह कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो नेक्स्ट पेज पे है जैसे हम इस तरह से लिख ले वी इमेजिन ए फंक्शन एम विच ए साइंस टूट इन आर एन नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर ऑफ ही एन एक्सटेंशन ऑफ द नोशन ऑफ लेंथ फंक्शन ये भी लेंथ फंक्शन का ही एक्सटेंशन है क्योंकि सेट पर आगे हम इफ अब जैसे मैंने अभी बताया था इफ पी आर बी दी पावर सेट ऑफ आल सब सैट्स ऑफ आर देन एम मेप फ्रॉम पी आर टू क्लोज इंटरवल जीरो द्लोइंग प्रोपर्टी वी गो टू नेक्स्ट पेज पहली प्रॉपर्टी क्या है एम इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स इन पावर सेट जैसा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इज़ फॉर ऑल सेट्स इन पावर सेट और मेजर ऑफ किसी इंटरवल की मेजर लेंगे तो वो लेंथ ऑफ इंटरवल के बराबर होता है फॉर एन इंटरवल आई तीसरी प्रॉपर्टी काउंटेबल एडिटिविटी इफ ई आई उसी तरह से जैसे लेंथ के लिए हमने डिफाइन किया था इसमें सेट है इफ ई आई आई बिलोंग्स टू एज ए सीक्वेंस ऑफ काउंटेबल तो यूनियन की मेजर लेंगे तो सम्मेसन ऑफ मेजर ऑफ यू हो जाएगा इसे कहते हैं काउंटेबिल एडिटिविटी प्रॉपर्टी अब इसी तरह से फोर प्रॉपर्टी का ट्रांसलेशन इनवेरियंस प्रोपर्टी उसी तरह से जैसे हमने इंटरवल में जोड़ा था पहला इंटरवल अब उसमें क्या लिया था क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ए बी और उसमें ए प्लस एक्स दूसरा इंटरवल बना दिया ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स दोनों की क्या होगा लेंथ बराबर होगी और अभी हमने इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी ली है मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई इस प्रॉपर्टी से क्या होगा ये मेजर ऑफ ई प्लस वाई इक्वल टू मेजर ऑफ ई वाई इज एनी फिक्स्ड नंबर ठीक है तो इसे ट्रांसलेशन इनवेरियंस प्रॉपर्टी कहते हैं इस तरह से हम प्रत्येक प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं और डिफाइन कर, कर सकते हैं इसमें किया तो अब थ्री पॉइंट टू जाओ आउटर मेजर वैसे तो आउटर मेजर इज इज ए फंक्शन है ना लेकिन जो इसका एप्लीकेबल पार्ट है वो ये है लिवेग आउटर मेजर और ब्रीफली आउटर मेजर एम स्टार ई ऑफ एन आर्बिटरी सेट इज गिवन बाय मेजर ऑफ आउटर मेजर ये स्टार का साइन ऊपर लगता है और इनर के लिए नीचे लगता है इनर मेजर के लिए दिस इज आउटर मेजर मेजर ऑफ आउटर ऑफ ई इनफीम ऑफ ऑफ लेंथ आई और जो ये इन्फीमम है इन्फीम इज टेकन ओवरऑल काउंटेबिल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स सच दैट इज ए सबसेट ऑफ यूनियन आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ कैपिटल आई आई आयोटा आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है तो मेजर ऑफ ही क्या है आउटर मेजर ऑफ ही इज डिफाइंड एज द इनफीम ऑफ आल समेसन ऑफ़ लेंथ ऑफ आई और इनफीम क्या है इज ए सबसेट ऑफ किसकी इनफीम ली इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ कैपिटल आई इज टेकन ओवर ओवर आल काउंटेबल कलेक्शंस आई ऑफ ओपन इंटरवल सज दैट ठीक है अब उसी तरह से मैंने कहा था कि इसमें ये मेजर इज आल्सो फंक्शन आउटर मेजर क्योंकि मेजर फंक्शन है इसी तरह से मेजर को भी डिफाइन आउटर मेजर एम एम इज स्टार सेट फंक्शन सच दैट आउटर मेजर पी आर पी आर क्या है पावर सेट इन टू जीरो इन्फिनी क्या लिया गया क्लोज इंटरवल सेट ऑफ आल नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स जैसे मैं पहले बता चुका हूँ अब ये तो रही सब कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशंस है अब इन पर आधारित आप थ्योरम्स रिजल्ट्स देखिए थ्योरम थ्री पॉइंट टू पॉइंट टू का प्रूफ पहला ही पार्ट देखिए मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है फोर सेट्स ए प्रूफ इट इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज़ ये आपकी डेफिनेशन से ही प्रूफ हो जाता है मेजर ऑफ ए क्या ए के स्थान पर ए रख दो तो मेजर ऑफ ए और ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई कैपिटल आई है ना तो इन लेंथ लिया और लेंथ ऑफ आई क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ फंक्शन तो पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ने आप ही प्रूफ हो गया अब दूसरे में प्रूफ करा रहा है मेजर ऑफ सेट इक्वल टू जीरो मेजर ऑफ सेट इज ज़ीरो हम उसी तरह से डेफिनेशन की मदद लेंगे है ना आउटर मेजर की डेफिनेशन की तो मेजर ऑफ आउटर मेजर हम ई के स्थान पर एम्टी सेट रख देंगे सेट इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ऑफ लेंथ ऑफ पाई और यहाँ पर उसी तरह से एम्प्टी सेट किसका सबसेट हो गया कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई है ना और मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इस तरह से क्योंकि लेंथ अगर हम दोनों तरफ का इसमें एम टी सेट इस सबसेट इनकी लेंथ ले लें दोनों तरफ से तो लेंथ ऑफ एम टी सेट लेस देन इक्वल टू एम टी सेट हैज नो एलिमेंट देयर फॉर यहाँ पर जीरो हो गया ठीक है या बाई दी प्रॉपर्टी कर लेंगे कौन सी वाली जो आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई तो मेजर ऑफ एम टी सेट इक्वल टू लेंथ ऑफ जो भी सेट है क्योंकि इट इज़ ए सबसेट ऑफ इंटरवल्स है दे फॉर मे बी इट इंटरवल तो ये एम टी सेट होगा इट हैज़ नो एलिमेंट दे फॉर मेजर ऑफ एम टी सेट इक्वल टू जीरो अब नेक्स्ट है मोनोटोनिस प्रोपर्टी मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी सी पार्ट इसे हम प्रूव करेंगे इफ ए एंड बी बी आर टू सेट्स विद एज इज सेट ऑफ़ बी देन हमें प्रूफ करना है मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी इस तरह से प्रूफ करना है और नेक्स्ट पर नेक्स्ट पेज प्रूफ करना शुरू करते हैं लेट आई एन बी ए काउंटेबल हमें क्योंकि मेजर थ्योरी आउटर मेजर में किसकी जरूरत पड़ेगी ओपन इंटरवल की पड़ेगी और जो कवर करेगा आ, किसे कवर कर कंटेन करेगा सेट को कंटेन करेगा है ना जिसका यूनियन तो लेट आई एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डी जॉइंट ओपन इंटरवल सच देट बी ए सबसेट ऑफ यूनियन आई एन बी लेते हैं इसमें क्योंकि बी बड़ा है ठीक है अब इसी तरह से जब बी होगा तो हमारे पास ए जे सबसेट ऑफ बी जे सबसेट ऑफ यूनियन आई एन अब अब दो मेजर लेते हैं तो मेजर ऑफ एक लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ आई एन सिंस दिस इक्वलिटी अब चूंकि ये इक्विलिटी क्या है इज ट्रू फॉर एवरी कवरिंग आई एन ऑफ बी क्योंकि बी जे सब सेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन बी कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन आई एन क्या कलेक्शन है बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसंट ओपन इंटरवल्स ठीक है तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी कवरिंग आई एन ऑफ बी तो इट क्लोज दैट मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू इनफीम ऑफ इसे इन्फीमम में बना लेते हैं ठीक है इनफीममम राइट right? तो मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू इनफीम ऑफ एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन और ये किसकी डेफिनेशन के बराबर है मेजर ऑफ बी के बराबर है ठीक है क्योंकि बी बड़ा सेट ले रखा तो मेजर ऑफ ए तो हमें छोटा ही होगा तो मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया ये मोनोटोनीट सिटी है ठीक है अब जो है नेक्स्ट है पार्ट मेजर ऑफ इक्वल टू जीरो फॉर एवरी सिंगल टन सेट ए एक ऐसा सेट है सिंगल सिंगलटन सेट है और हमने लिया लेट ए इक्वल टू सिंगल्टन सेट ए बी एन आर्बिटरी सिंगल सेट अगर रियल लाइन पर देखिए सिंगलटन सेट किसके द्वारा कवर होगा अगर हम उसमें वन अपॉन एन घटा ले और जोड़ ले तो एक ओपन इंटरवल बन गया ठीक है तो ओपन इंटरवल एक तरह से ओपन इंटरवल्स बन गए जिनके दो जिनमें एक कंटेंट हो रहा है तो सिंस आई एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट ए इज ए सबसेट ए इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ आई एन अब दोनों तरफ की मेजर ले लो तो लेंथ ऑफ आई एन क्या है यहाँ पर रख दो इसकी लेंथ निकाल के निकाल रखिए टू ओपोन एन तो लेंथ ऑफ आई एन रखिए तो सबमेशन लेंगे तो दैट बिकम्स जीरो है ना तो मेजर ऑफ क्या है मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जीरो लेकिन आप तो डेफिनेशन से भी मेजर ऑफ क्या होती है ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो देयर कंट्राडिक्शन हो गया तो मेजर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया आउटर मेजर ऑफ ए जीरो होगी अब है नेक्स्ट जो थोरम का पार्ट है दी फंक्शन एम स्टार इज ट्रांसलेशन इन वेरियंट यानी कि मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू मेजर ऑफ ए फॉर एवरी सेट ए एंड फॉर फॉर एवरी फिक्स नंबर एक्स इन आर रियल नंबर तो उसी तरह से जैसे इंटरवल के लिए उसी की मदद लेंगे लेट आई बी एन इंटरवल भी द एंड पॉइंट से एंड भी अब दूसरे वाला क्या लेंगे आई प्लस एक्स इंटरवल कैसे लेंगे वे भी एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे उसके ए प्लस इसी तरह से इसे डिफाइन कर लेंगे आई प्लस एक्स या ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स तो आई प्लस एक्स को हमने डिफाइन किया जनरली अगर वाई इन आई में लें तो ये डिफाइंड हो गई जी कलेक्शन ऑफ आल सच पॉइंट्स वाई प्लस एक्स एंड वाई इन आई इज कलियर क्लियरली एन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स ए प्लस एक्स एंड बी प्लस एक्स जैसा ही मैंने अभी वो बताया आप लोगों को अब इसमें नो बाई ट्रांसलेशन इन वेरियंट प्रॉपर्टी किस किसकी भला जो लेंथ की थी है ना तो वी हैव लेंथ हो पाई प्लस एक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ आई लेंथ हो पाई प्लस एक्स इंटरवल इक्वल टू लेंथ इंटरवल कंटिन्यू नेक्स्ट पेज नाउ फॉर एप्स अब इनका कलेक्शन बना लेते हैं आई एन का भी और आई एन प्लस एक्स का भी तो देयर इज ए काउंटेबिल कलेक्शन ऑफ डी ओपन तो इंटरवल आई एन ऑफ है ना सच दैट ए इज ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन और अगर हम मेजर लें इसकी मेजर इसमें हमने इस तरह से कर लिया आ, ये आउटर मेजर की डेफिनेशन मैंने एक, एक, एक स्क्वायर में वो रेक्टेंगल में डिफाइन की आप जानते हैं क्या जहाँ मेज, मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ इक्वल टू इनफिमम सम्मेशन ऑफ लेंथ आई एन है अब क्योंकि इनफिमम मेजर ऑफ ए क्या है इसका एक इनफिमम नंबर है तो इनफीम मतलब बहुत छोटा है तो इससे क्या निकल मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू समन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन अब ये हमने एक नाम दे दिया इसीलिए क्योंकि ये सेपरेट हो गया अब अगेन जो हमने यहाँ अप्लाई की डेफिनेशन अब हम ऐसा करते हैं इस इंक्वलिटी को उल्टा कर देते हैं उल्टा करने के लिए हम एक ऐसा चूज कर लेते हैं जिससे कि मेजर ऑफ ए प्लस एप्साइलन तो ये इंक्वलिटी इक्वल हो जाती है मेजर ऑफ ए के जगह जो यूनिफिम है उस तरफ एपसाइलन जोड़ देते हैं तो एक ग्रीटर बन जाता है लेंथ ऑफ ऑफ लेंथ सम में तो हमने ये सेकेंड वाली जो इसमें तो हमने क्या किया अगर एज एज सबसेट या ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन है तो ये क्या हो गया उल्टा हो गया इसमें ना जो दूसरे वाली प्रॉपर्टी उसकी सम्मेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस एफ साइल ठीक है इस हमने वन नाम दे दिया इक्वेशन वन अब दूसरे पे चलते हैं प्लस एक्स इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन प्लस एक्स और एन बिलोंग्स टू सेट नेचुरल नंबर अब चूंकि हमें मेजर ए प्लस एक्स ही दिखाना है मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू मेजर ऑफ ए तो मैं दोनों तरफ की मेजर ले लेते हैं और ये किसके बराबर होती है मेजर ऑफ एक्स ए प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू किसके बराबर सम्मेशन ऑफ इन्वेरियंट प्रॉपर्टी से लेंथ ऑफ आई एन एक्स इक्वल टू समन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन ये किसके है मेजर ऑफ ए प्लस एफ द प्रॉपर्टी वन राइट तो इसे बाई वन लिख दिया मैंने इसमें अब सिंस एफसेलन आर्बिट्रेरी है तो वो तो खत्म हो गया जीरो हो गया तो एम मेजर ऑफ ए प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू तो मेजर ऑफ ए इसे हमने टू ले लिया ये हम रिजल्ट अब हम इसका अगर हम कन्वर्स पार्ट कर लेते तो इक्वलिटी आ जाएगी तो हम ये इसी इस ऐसे सेट थ्योरी से करते हैं ए बराबर किसके ए प्लस एक्स माइनस एक्स अब दोनों अगर मेजर लें तो मेजर ऑफ ए किससे हो गया लेस देन हो गया क्योंकि माइनस अगर अगर हटा दें ठीक है क्योंकि ए प्लस एक्स बड़ा हो गया तो ये इससे प्रूफ हो गया थ्री और टू और थ्री से इक्वलिटी आ गई अब ये थ्योरम थ्री पॉइंट टू फोर टू थ्री पॉइंट टू पॉइंट फोर बाद तक इसे हम काउंटेबिल सब एडिट्यूटी कहते हैं ये थ्योरम क्या है लेट ई एन बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई एन इज लेस देन ऑफ 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 मेजर ऑफ ई एन ये प्रूफ करना यानी कि यूनियन का अगर हम मेजर ले लें आउटर मेजर तो लेस देन समेसन में कन्वर्ट हो जाता है मेजर ऑफ ई एन के तो उसी तरह से प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटर मेजर अगर ये इंक्विलिटी जो ली है हमने दो केस बनेंगे एक तो बनेगा कि मेजर ऑफ ई एन अगर इन्फिनिटी हो तो ये ट्रीविली ट्रू हो गया क्योंकि दोनों तरफ से क्या होगा ये इन्फिनी हो जाएगा मेजर हो है ना इस तरह से अगर राइट हैंड साइड देखें अगर इन्फिनी रखें तो ये इन्फिनिटी हो गया तो अपने आप ही ट्री ट्रू हो गया फोर सम एन बिलोंग्स टू एन अब अब हम लेते हैं फाइनाइट में मेजर ऑफ लेस देन इनफिनिटी फॉर ईच एन फॉर ईच सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो फॉर ईच नंबर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो मेजर ऑफ यन ले लिया हमने अब हम शुरू करते हैं उसी तरह फॉर ईच एन एंड फॉर गिवन एप्स एल एन दे रही काउंटेबल कलेक्शन यहाँ दो इंडी इन, ले लेते हैं एन और आई आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल वैसे तो एन व्यू करता है लेकिन आई को लेकर चल रहे शुरू में देर एक जिससे काउंटेबिल कलेक्शन है ना तो अब मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ उसी तरह से डेफिनेशन वही अप्लाई करते हैं सेकेंड वाली तो एन प्लस टू एन एफ टू एन क्यों लिया क्योंकि ये हम आई एन के लिए कर रहे हैं आई एन आई के ना इंटरवल्स के तो इसे हमने इस तरह से एफ साइल एन अपॉन टू एन हो जाएगा जो इसका एफ साइल यहाँ यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे ये इसके बाद हमने जो ऊपर वाला है इसका यूनियन दोनों तरफ ले लिया तो डबल यूनियन हो गया यूनियन एन ई एन है ना और डबल यूनियन एक एन का हो गया एक एयोटा का हो गया तो आई एन आई अब ये जो डबल यूनियन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं तो आप जानते हैं आप पीछे पड़ चुके काउंटेबल सेट में कि क्योंकि यूनियन ऑफ आई एन क्या काउंटेबल तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ यूनियन क्या हो गया काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल तो देयर फोर क्या हो गया डबल यूनियन जो लिया आई एन का एक का तो दिस इज़ ए काउंटेबल यूनियन बन गया ठीक है तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ डिस हो गया तो कवर्स इस तरह से कवर्स कैसे कर रहा कि यूनियन ई एन इज ए सबसे एट ऑफ डबल यूनियन आई एन एन तो डेफिनेशन ये वेल डिफाइंड होगी तो हम इन दोनों का दोनों तरफ से मेजर ले सकते हैं तो मेज़र लिया दोनों तरफ से मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई एन ठीक है ये इस तरह से ले लिया और फिर ये डबल सबमेशन आएगा ए एन और आयोटा का आएगा डबल समेसन फिर हमने पहले वाली डेफिनेशन लगाई है ये वाली मेजर वाली है ना तो जब हम ये डेफिनेशन लगाते हैं तो आपकी डेफिनेशन क्या बन गई कि मेजर ऑफ डबल यूनियन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन समन ऑफ मेजर ऑफ ई एन प्लस ई एन में एन में बदल गया अब एप्सिलॉन अपॉन टू एन किसके बराबर होगा एप्सिलॉन के जब हम किससे करेंगे एप्सिलॉन अपॉन टू वन एफ तो कॉमन हो गया तो ये जब हम किससे करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी <coughs> तो यहाँ से तो इस तरह से आर्बिटेरी तो ये हमारा प्रूफ हो गया मेजर ऑफ़ यूनियन ऑफ ई एन लेस देन इक्वल टू समन ऑफ मेजर ऑफ ई एन थैंक यू